आपसे सवाल करता हूँ, उनका भगवान सीधा इंटरेक्शन है ना, कैसे इतने लोग चले गए? बात करें भगवान से ना, भोले बाबा आके बात करिए आप। अगर आप कहते हैं आपने भगवान से सीधे आपका इंटरेक्शन हुआ, आमना सामना हुआ, तो वो जो लोग हैं जो बिलख रहे हैं और जिनके सामने उनके परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई हैं, करिए भगवान से बात, जीवित करिए। वो कोई अपराध करने तो नहीं गए थे ना वहां पर, मन की शांति के लिए गए, मन की शांति गए थे, वो भगवान को याद करने गए थे, सुमिरन करने गए, भगवान ने बुला लिया अपने पास। ये कैसे बाबा है अपने आप को? अगर कहते हैं उनका भगवान से सीधा आमना सामना होता तो जीवित करिए ना उन सबको, भगवान से बात करिए कैसे भी करके, मतलब आप कोई चमत्कार करिए। अगर आप बाबा अपने आप को भगवान से सीधा इंटरेक्ट करते हैं, और उनका कसूर क्या था? क्या कसूर था उन लोगों को जो वहां पर सत्संग लेने पहुंचे थे, तो सुनने पहुंचे थे? यही ना कि वो ईश्वर में आस्था रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। हाथरस में जिस तरह से एक बाबा के चक्कर में 100 से अधिक लोगों ने जान गवाई है, और वो बाबा जो है पुलिस में नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके आता है और लोगों को प्रवचन सुनाता है, और आज उसकी वजह से 100 से अधिक परिवार जो है, 100 से अधिक जाने जा चुकी हैं। अब उन परिवारों का क्या होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? आखिर वहाँ पे किस तरह से प्रशासन ने अनुमति दिया था वहाँ पर जो इतनी भीड़ हो गई, और भीड़ में इतनी मौत हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और भोले बाबा कौन है और कहाँ है? और अब जब फोन किया जा रहा है तो उसका नंबर बंद आ रहा है और अब वो फरार है। ऐसे में अब सवाल उठता है प्रशासन और प्रशासन पर भी, योगी सरकार ने कहा है कि जो जिनकी मौत हो चुकी है उनको 2,00,000 रुपए मिलेगा मुआवजे के तौर पर, और जो घायल है उनको 50,000 मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन जिनकी जाने गई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो भोले बाबा अब कहाँ है जो फरार हो चुका है, उसे पुलिस अब कब पकड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। अरे सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई है हाथरस में, एक बाबा के चक्कर में भोले भाले लोगों को किस तरीके से बाबा लोग फंसाते हैं, अपने चंगुल में फंसाते हैं और जान ले लेते हैं, आखिर इतनी भीड़ जो है एक बाबा का चरण छूने के लिए आखिर क्यों होती है, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल देखो, अगर जिसने भी आश्रम सीरीज देखी हो वो इस बात को समझ सकता है कि बाबा किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब मैं भोले राम पे व्यक्तिगत कोई भोले बाबा जो भी उनका नाम हो, क्योंकि भगवान से नाम जोड़ रहे हैं हम, तो भोले बाबा वही जानते थे कि वो ईश्वर है। लेकिन जो कुछ भी हाथरस में हुआ है, हाथरस एक बार फिर से चर्चा में आया। इसके पहले हाथरस चर्चा में था, अब क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर इतनी ज्यादा लोग काल के काल में समा गए हैं, 100 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच रहा है और उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी भीड़। पहला सवाल, मैं 2-3 सवाल खड़े करूंगा। पहला तो भोले बाबा पर, जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, वीआरएस लेकर पुलिस में नौकरी कर रहे थे, वीआरएस लेकर प्रवचन कहने लगे, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी तो उसके लिए उतना ज्यादा प्रशासन होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि प्रशासन वहां समुचित व्यवस्था क्यों नहीं करा रहा था। अब भीड़ कितनी थी कहा जा रहा है 50,000 की भीड़ थी, लेकिन वीडियोज में देखकर या वहां की स्थितियों को देखकर 1,00,000 से ज्यादा भीड़ का अंदाजा लगाया जा रहा था। उसके बाद वहां व्यवस्था नहीं, 75 पुलिसकर्मी आपने तैनात कर दिए, वो इतनी भीड़ कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व कर भी रहे थे या बैठ के भी गप्पे सड़ाके हो रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखिए, कहीं भी भीड़ जमा होती है और जब भी किसी तरफ धक्का मुक्की होती है तो लोग भागने की कोशिश करते हैं, उसी भगदड़ में लोग दब जाते हैं, और दब जाते हैं तो एक सफोकेशन होने लगती है अंदर से, एक उलझन टाइप की होती है बहुत तेजी के साथ, उस उलझन में सांस लेना दूभर हो जाता है, और मुझे लगता है हार्ट चोक की वजह से काफी लोगों की जान गई होगी, क्योंकि चोट से जान नहीं जाती, चोक से, मतलब हार्ट जो होता है वो जब अभी कभी मान लो आपने देखा हो, कभी आप रजाई के अंदर हो और रजाई कोई आपकी दाब दे, तब आपको, आप भले ही रजाई सर से उड़कर पहनते हो, मतलब सोते हो ऊपर डालकर, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई दाब दे उधर आप ना निकल पाए, छटपटाहट होने लगे, वो छटपटाहट उन लोगों की मौत का कारण था। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़कर जो महिलाएं हमेशा अपने घर बार को छोड़कर, क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन है, मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात आप सत्संग सुनिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे वचन आपको सुनने चाहिए, लेकिन ऐसे बाबाओं से जहां पर जाने से जान जा सकती है, जहां पर ऐसी चीजें हो सकती है, दिग्भ्रमित होने का प्रयास मत करिए। आप समझिए कि क्राइटेरिया महिलाओं की तरफ भी क्यों ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं, बहुत जल्दी वो भोलापन होता है, महिलाएं भोलापन होता है, वो लगता है कि नहीं ये जो कह रहा है वो सही है। लेकिन चीजें हैं, अब देखिए, मैं संत के बारे में बुरा नहीं कहूंगा,
क्योंकि ये कहा भी गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहराए थोथा दिए उड़ाए। मतलब जो सार सार कहा वो अपने पास आए, थोथा से मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो सत्संग होते हैं, जितनी जवाबदेही प्रशासन की है उतनी ही जवाबदेही उस व्यक्ति की है जो वहां पर बैठ के सत्संग कर रहा है। अच्छा, प्रशासन ने, प्रशासन को देखिए सर, जब ये तथा कथित जो बाबा हैं, भोले बाबा हैं, जब ये सत्संग करके निकल रहे थे, प्रशासन ने भीड़ को रोका, क्योंकि जो महिलाएं थी उनका चरण छूने की जैसी प्रथा है, उनका चरण छूना चाहती थी। और जो है बाबा तो निकल गए, लेकिन जब प्रशासन ने रुका, अचानक से भीड़ को खोल दिया गया। अब एक दूसरे पर जो है चढ़ करके, कुचल करके, बाबा का चरण छूने के लिए दौड़ी, और भगदड़ होता है, इसी में जान चली जाती है। देखो, एक चीज है कि कोई अच्छी बात करे तो उसको रहनुमा नहीं बनाना चाहिए, पहली बात जो मैं कह रहा हूँ। शासन प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, लेकिन जो ये बाबा जो बोलते हैं, दरअसल मैंने कहा पहले भी आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही, तो मैंने कहा ज्ञान की कमी है। दरअसल लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते। आज जितने भी बाबा हैं, मौलवी हैं, कोई भी हो, जो बातें वहां पर खड़े होकर कह रहा है ना, वो आपकी ही बात बोल रहा है, वो आपके ही बारे में कह रहा है। वो कहीं से गीता से बोल रहा है, कहीं महाभारत से बोल रहा है, कहीं इस खंड काव्य से बोल रहा है, कहीं उस खंड काव्य से बोल रहा है, कहीं वहां से जानकारी उसने पढ़ा और वो आप तक पहुंचा रहा है, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये भी बात विवेकानंद ने एक बहुत साधारण बात कही, जिसको मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, उन महिलाओं को भी समझना चाहिए, कि अगर भगवान की यही मंशा होती कि एक व्यक्ति मैंने बना दिया है, उसके रहमो करम पे आप लोग चलिए, उसके पीछे चलिए, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, मुंह दिया है, सब लोग अपने विचारों की पारदर्शिता के साथ अपने हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन एक के पीछे ऐसे भागना कि नहीं यही है जो है वो है, वो कैसे हो सकते हैं। ज्ञान की बात अलग है, ठीक है, उनके पास ज्ञान हो सकता है, ज्ञान का भंडार हो सकता है, ज्ञान से वो सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से काल के गाल में समा जाना, बस एक झलक मिल जाए बाबा की, वो बाबा क्या है, वो ईश्वर नहीं है। तथा कथित जो बाबा है, भोले बाबा खुद को कहता है, बताइए वो भोले बाबा हो सकता है क्या सर? कह रहा था कि मेरा जो है भोले बाबा से आमना सामना हुआ था, तभी से जो है अब लोगों को अपने जाल में फंसाया और प्रवचन करने लगा। शायद उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, या फिर जिन लोगों ने उनकी बातों को सुना और भरोसा किया, उन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, उन लोगों ने वेद नहीं पढ़ा, उन लोगों ने पुराण नहीं पढ़ा। कलयुग के बारे में जो व्याख्या की गई है वो अलग तरीके से की गई है, उसमें जो भगवान होंगे वो कल के अवतार को होंगे, और अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें शायद कहीं पर संभल जिले का भी जिक्र होता है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप बताइए कि ईश्वर से मिलन तो तभी आपका हो सकता है, आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती है जब इस मृत्यु लोक को आप छोड़ोगे। जीवित व्यक्ति कोई भगवान से मिल नहीं सकता है। लोग तो गए थे जो है बाबा के कार्यक्रम में मन की शांति के लिए, लेकिन ये दुखद घटना ये है कि अब आत्मा को जो है शांति मिलेगी, अब परिवार जो है बिलख बिलख करके रो रहा है। लेकिन जिस तरीके सर योगी सरकार कहती है हॉस्पिटल जो है उसके, CHC जो है, सरकारी अस्पताल जो है चुस्त है, दुरुस्त है, आज तो योगी सरकार की पोल खुल गई। जब जरूरत है तो एक डॉक्टर है और वहां पर सिर्फ है ढेर और सिर्फ ढेर, लाशों का ढेर, क्या कहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत हास्यास्पद है। मुझे तब भी दुख हुआ था जब एंसेफलाइटिस की वजह से 65 बच्चे काल के गाल पे गोरखपुर में समा गए थे। मुझे तब भी दुख हुआ था जब बीमारियां बढ़ती हैं और बीमारी के बाद अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है। कई जगह ऐसी होती जब फ्लैग फैलता है, कई ऐसी महावारी ऐसी बीमारियां फैलती, उस समय सरकार हाथ खड़े कर देती कि सुविधा नहीं है। आज भी आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, उनका हाल देखे किस तरीके से वहां है। और CHC की जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की सुविधा होती है। वहां कम से कम 3 से 4 एम्बुलेंस पहले ही वहां पहुंचा दी जाती हैं उस एरिया पर, वहां अग्निशमन, आपने देखा होगा जब भी कई कार्यक्रम होते हैं वहां एम्बुलेंस है, अग्निशमन विभाग, मतलब किसी भी अपरिहार्य घटना से जो होने वाली आपातकालीन घटना से उसमें आपातकालीन इमरजेंसी कुछ हो तो वो होनी चाहिए। अब आप समझिए, इतनी बड़ी घटना घटती है, लोग भागते हैं अस्पताल की तरफ ये सोचकर कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, वो हमारे माँ को, हमारे बहन को, हमारी बच्ची को बचा लेगा, और वहां जाते तो पता लगता है कोई सुविधा ही नहीं, वहां एक के बाद एक आ रहे डॉक्टर्स ही नहीं है। डॉक्टर्स कहाँ गए, छुट्टी पे, यहाँ गए वहां गए। वहां के लोग बता रहे थे, वो वीडियो मैंने देखा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हम तो लेके आए हैं,
और सरकारी आंकड़ा गलत प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उस समय जब लाशों की गिनती की थी तो वो 99 86 थी, उस समय जब पहली बार गिनती की, फिर 99, फिर 107। एक व्यक्ति आके बताता है News24 पर वेक्स में पोस्ट, विनीत नाम का एक शख्स है जो आके बताता है कि 107 तो मैंने गिनी है, 107 मैंने अपने हाथों से गिनी है वहां पर पड़ी हुई लाशें। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है और इतना जो है क्रूर है। मैं समझता हूं ये सरकार के फेल हो जाने का कारण है। ये सरकार जो ये दावा करती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं, हम जो है प्रशासन बेहतर कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहां है आपका प्रशासन? डीएम साहब बिना इस बात का जवाब दिए कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है चले जाते हैं वो। एसडीएम कहते हैं, एसडीएम है, उन्होंने परमिशन दिया। कोई भी परमिशन तो होती है, तो परमिशन एक प्रोसेस है कि नजदीकी थाना क्षेत्र में वहां के तहसील में परमिशन जाएगी कि अब इतनी ज्यादा यहाँ भीड़ आ सकती है तो इतना पुलिस फोर्स की हमें जरूरत है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन ये सब प्रक्रियाएं सिर्फ कागज पर होती है, कागज पर 50,000 की भीड़। डीएम ने भी कहा सर ये निजी कार्यक्रम था। निजी कार्यक्रम था, ठीक है निजी कार्यक्रम है, आयोजक पर कार्रवाई करिए, क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक आयोजक? निजी कार्यक्रम होने के बावजूद भी परमिशन लेनी पड़ती है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था ना वो, सरकारी कार्यक्रम नहीं था तो इसकी भी जिम्मेदारी क्या? डीएम साहब ऐसी अगर बेवजह की बेतुकी बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता भाई। निजी कार्यक्रम हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम की भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जहां पर भीड़ होती है उसके लिए भी आपको बकायदे जाके तहसील में परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी भीड़ को मैनेज कौन नहीं कर पाया, या फिर उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं कर पाया, या भोले बाबा जो अपने आप को कहते हैं वो नहीं कर पाया? योगी सरकार जो है लगातार बुलडोजर की बात करती है, क्या भोले बाबा की जो अकूत संपत्ति होगी, करोड़ों की संपत्ति होगी, क्या योगी सरकार में दम है कि उसके भी भोले बाबा के घर पर भी बुलडोजर चलवाएगी? देखिए अब ये उसको गिरफ्तार कर पाएगी, बुलडोजर चलवाती है या नहीं चलवाती है, क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन आप देखिए जितने बाबाओं की पोल खुलनी शुरू हुई वो आज जेल में, जितने भी बाबाओं की हुई, चाहे वो आसाराम की रही हो, चाहे वो गुरमीत राम रहीम जो डेरा सच्चा जो अपने आप को भगवान कहता था, जो फिल्में बनाता था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था, वो भी जेल में है। अभी एक में उसे जरूर रियायत मिल गई लेकिन अभी भी वो जेल में बंद है। हरियाणा में चुनाव होने वाले तो सियासत हो रही है वो अलग चीज़ है। अब आप समझिए उसके बाद एक और बाबा था वहीं का था, हरियाणा का ही था। तो ऐसे बाबाओं की जब पोल खुलनी शुरू होती, जब जांचें होती हैं तो स्थितियां पता लगती हैं कि ये लोग किस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं। और रही बात जनता के गुमराह होने की, तो वो यही बात है जो मैंने पहले ही कही थी, अगर वाकई में जितने भी लोग बाबाओं के पीछे भागते हैं वो पढ़ना शुरू कर दे, वो जिस बाबा के पीछे भाग रहे उस बाबा ज्यादा वो अपने आध्यात्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी उन चीजों को पढ़ना शुरू कर दें, तो वाकई में कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। वाकई में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि पाखंडियों के चक्कर में हम ना पड़े, कहीं न कहीं इससे जो है इन ढोंगियों के चक्कर में पड़कर हमारा धर्म भी कमजोर पड़ रहा है। प्रमोद मैं आपसे सवाल करता हूँ, उनका भगवान सीधा इंटरेक्शन है ना, कैसे इतने लोग चले गए? बात करें भगवान से ना, भोले बाबा आके बात करिए आप। अगर आप कहते हैं आपने भगवान से सीधे आपका इंटरेक्शन हुआ, आमना सामना हुआ, तो वो जो लोग हैं जो बिलख रहे हैं और जिनके सामने उनके परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई हैं, करिए भगवान से बात, जीवित करिए। वो कोई अपराध करने तो नहीं गए थे ना वहां पर, मन की शांति के लिए गए, मन की शांति गए थे, वो भगवान को याद करने गए थे, सुमिरन करने गए, भगवान ने बुला लिया अपने पास। ये कैसे बाबा है? अपने आप को अगर कहते हैं उनका भगवान से सीधा आमना सामना होता तो जीवित करिए ना उन सबको, भगवान से बात करिए कैसे भी करके, मतलब आप कोई चमत्कार करिए। अगर आप बाबा अपने आप को भगवान से सीधा इंटरेक्ट करते हैं, और उनका कसूर क्या था? क्या कसूर था उन लोगों को जो वहां पर सत्संग लेने पहुंचे थे, तो सुनने पहुंचे थे? यही ना कि वो ईश्वर में आस्था रखते हैं, यही ना कि वो आपको आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं? बाबा जी मैं भोलेनाथ जी आपसे ही पूछता हूँ, भोलेनाथ कहते भोले बाबा कुछ भी कहते, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं उन लोगों कीड़े मकोड़े? जैसे हम चलते हैं ना पैरों में, अब इस समय बारिश का सीजन है तो वो कई सारे कीड़े मकोड़े पैरों के लिए आते हैं, उसे रौनते हुए हम चले जाते, नहीं देख पाते, बहुत छोटे हैं, क्या बाबा उनको ये समझ रहे हैं? क्या प्रशासन उस जनता को कीड़े मकोड़े समझ रहा है? अगर वो समझ रहा है तो वो इसकी सबसे बड़ी भूल है, और इसका इंसाफ तो वो देख रहा है ना, वो तो जरूर करेगा। और मुझे लगता है कि अगर बाबा की बात होती होगी ना, तो इस बार भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जरूर बाबा के पीछे पड़ जाएगा। वो जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं ना, फिर असली भोले बाबा की ताकत भी देखेंगे, और सावन भी आने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। खुद को भोले बाबा कहने वाला बाबा अब जो है फरार है, योगी की पुलिस उसको ढूंढ रही है कि आखिर वो बाबा कहाँ है, आखिर योगी की पुलिस अब कब तक उसे गिरफ्तार कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है
कि योगी की सरकार क्या बुलडोजर भी चलाएगी भोले बाबा के काले कारनामों पर, कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।